अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैडम 3 महीने से वेतन नहीं मिला ये क्या कचरा वाहन वाले हम तो क्या ठेकेदार को करना ठीक है मैं अभी आपके लिए मांग कर देता हूँ हम पेमेंट के विषय में जन से आयोजन क्या है पेमेंट पेमेंट भैया हमारे को हो जाता है दो दो तीन तीन महीने होने के बाद में देते हैं 1 महीना सिर्फ बस और उसमें भी वो भी हड़ताल करते हैं। अभी कब से नहीं मिली आपको पेमेंट? हो गया अभी 2 महीने। कब से काम कर रहे हैं आप नगर निगम? मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ निगम में। क्या बोल रहा है ठेकेदार? ठेकेदार बोलता है भैया कि मेरे को इधर पैसे मिलेंगे निगम से जब जाके दूंगा और बोलेगा अधिकारी हूँ जब वहाँ कर देंगे जब कर दूंगा। अभी यहाँ आए तो आपको यहाँ से क्या मिला? यहाँ से आश्वासन मिला बस अभी। क्या नाम है आपका? संजय बोड़ाना। किस विषय को लेकर अभी आप आए यहाँ? कचरा गाड़ी का पेमेंट नहीं हुआ इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। कब से नहीं हुआ आपका पेमेंट? 2 महीने हो गए और पीएफ भी नहीं आया अभी तक 4 महीने हो गए। हाँ ये भी नहीं डाला ठेकेदार ने। ठेकेदार को फोन लगाया तो फोन नहीं उठाता है इसलिए अभी हम आए थे कलेक्टर ऑफिस तो साहब को हमने आवेदन दिया है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन बोला उन्होंने साहब ने कि आप ठेकेदार से बात करो वो ठेकेदार फोन नहीं उठाता तो अब सब हम इकट्ठे हो गए हैं सब ड्राइवर मतलब वाहन चालक सड़क पर बैठे हैं अब क्या करें क्योंकि 2 महीने हो गए पेमेंट तो मिली नहीं अब कोई सुन ही नहीं रहा है पेमेंट के लिए। ठीक है आपका नाम? मेरा नाम शिवा। नेता प्रतिपक्ष और लगातार देखने में आ रहा है जो कचरा गाड़ी वाले अभी हड़ताल कर रहे हैं और अब इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से उनका काम के चलते प्रभावित हो रहा पूरा मामला क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम द्वारा 1 माह में डोर टू डोर कचरा गाड़ी वाहन चालकों द्वारा 2 बार हड़ताल कर दी गई। इसके पूर्व भी 1 माह में एक दो बार हड़ताल करते हैं कर्मचारी। उनका यह कहना है कि ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम प्रतिमाह कचरा शुल्क जल कर संपत्ति कर प्रतिमाह आम जनता से उगा रही है तो उन्हें सुविधाएं देने में क्या समस्या आ रही है? आम जनता जब सारे शुल्क सारे कर जब समय पर जमा कर रही है तो उन्हें सुविधाएं देना चाहिए। क्या मानते हैं आप? तो लगातार इस तरह की जब दो दो दिन बाद हड़ताल हो गई है और आज भी हमने कुछ दिन पूर्व नगर निगम को अवगत भी कराया था। कचरा हम सब पार्षद दल लेके आए थे और महापौर जी को और स्वास्थ्य अधिकारी को भी दिया था जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अब आगे से ये समस्या नहीं आएगी परंतु आज वापस से यही समस्या आई है। अगर 24 घंटे के अंदर कचरा वाहन चालू नहीं होगा तो हम फिर से चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? राहुल पावार पार्षद एवं नेता प्रतिनिधि देवास नगर निगम।